subscribe our channel VTV Odia and don't forget to press bell icon. आप सभी किसान साथियों से ये चर्चा अपने आप में एक नई उम्मीद जगाती है, नया विश्वास पैदा करती है। आज जैसा अभी हमारे मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर बता रहे थे, आज भगवान बसवेश्वर जयंती है, परशुराम जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया का भी पावन पर्व है और मेरी तरफ से देशवासियों को ईद की भी मुबारक। कोरोना के इस समय में समस्त देशवासियों का हौसला बढ़े, इस महामारी को परास्त करने का संकल्प और दृढ़ हो, इस कामना के साथ आप सब किसान भाइयों से जो मेरी बातचीत हुई है, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी गण, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और देश भर के मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में हम ये संवाद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी देश के किसानों, हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है। आप कृषि में नए नए तरीके आजमा रहे हैं। आपके प्रयासों को पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त और मदद करने वाली है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, कृषि के नए चक्र की शुरुआत का समय है और आज ही करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसका लाभ करीब करीब 10 करोड़ किसानों को होगा। बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं, मतलब कि 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही
60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, यही सरकार का निरंतर प्रयास है। भाइयों और बहनों, तेजी से सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाने का यह काम उपज की सरकारी खरीद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि अब किसान जो उपज मंडी में बेच रहा है, उसको अब अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता। किसान के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है। मुझे संतोष है कि पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर की इस सुविधा से जुड़े हैं। अभी तक पंजाब के किसानों के बैंक खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। अपना पूरा पैसा अपने बैंक खाते में पाने का संतोष क्या होता है, ये पंजाब और हरियाणा के किसान भी अनुभव भी कर रहे हैं और मुखर होकर बोल भी रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में इतने वीडियो देखे हैं किसानों के, खास करके पंजाब के किसानों के, कि इस प्रकार से उनको पैसा पहुंच जाना और वो भी पूरा पूरा पैसा पहुंच जाना, उसका संतोष इतने उमंग के साथ वो बता रहे हैं। साथियों, खेती में नए समाधान, नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना ऐसा ही प्रयास है। इस प्रकार की फसलों में लागत भी कम है, ये मिट्टी और इंसान के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। थोड़ी देर पहले इस प्रकार की खेती में जुड़े देश भर के कुछ किसानों से मेरी बातचीत भी हुई है। उनके हौसले, उनके अनुभवों को जानकर मैं बहुत उत्साहित हूं। आज गंगा जी के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वो जो खेत में उपयोग किया गया केमिकल है, बारिश के समय जो पानी बह करके गंगा जी में न चला जाए और गंगा जी प्रदूषित न हो, इसलिए गंगा जी के दोनों तट के 5-5 किलोमीटर करीब करीब ये जैविक उत्पादक को विशेष बल दिया जा रहा है।
ये जैविक उत्पाद नमामि गंगे, नमामि गंगे के ब्रांड के साथ बाजार में उपलब्ध किए जा रहे हैं। इसी तरह भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को उसको भी व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार की ये निरंतर कोशिश है कि छोटे और सीमांत किसानों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिले। इसके लिए बीते 1.5 साल से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 2 करोड़ से ज्यादा किसान 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्ड्स पर किसानों ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण बैंकों से लिया है। 2 लाख करोड़ रुपए, इसका बहुत बड़ा लाभ पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों को भी मिलना शुरू हुआ है। अभी हाल ही में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है और मैं चाहूंगा कि मेरे किसान भाई बहनों को ये सरकार के निर्णय से खुशी होगी, उनके लिए ये बहुत लाभकर्ता होगा। सरकार ने निर्णय किया है कि कोरोना काल को देखते हुए केसीसी ऋण के भुगतान या फिर नवीनीकरण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे सभी किसान जिनका ऋण बकाया है वो अब 30 जून तक ऋण का नवीनीकरण कर सकते हैं। इस बढ़ी हुई अवधि में भी किसानों को 4% ब्याज पर जो ऋण मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो लाभ भी चालू रहेगा, मिलता रहेगा। साथियों, गांव का किसान का कोरोना के विरुद्ध भारत की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये आपके ही श्रम का परिणाम है कि आज इस कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून महीने में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। इस पर भी केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए हमारे गरीब के घर में चूल्हा जले इसलिए खर्च कर रही है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि गरीबों को इस राशन के वितरण में कोई परेशानी ना आए, ये सुनिश्चित करें। साथियों, 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और यह दुश्मन बहुरूपिया भी है और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग
जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। आपने देखा होगा सरकार के सभी विभाग सारे संसाधन हमारे देश के सुरक्षा बल हमारे साइंटिस्ट हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोविड अस्पताल बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, हमारी तीनों सेनाएं वायुसेना नेवी आर्मी सभी पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। ऑक्सीजन रेल इसने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूर सुदूर हिस्सों में ये स्पेशल ट्रेन्स, ये ऑक्सीजन रेल ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी है। ऑक्सीजन टैंकर्स ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स बिना रुके काम कर रहे हैं। देश के डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हो, लैब में काम करने वाले सज्जन हो, सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो, एक एक जीवन को बचाने के लिए 2400 घंटे जुटे हुए हैं। आज देश में जरूरी दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाने पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सरकार और देश के फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों में जरूरी दवाइयों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। बाहर से भी दवाइयां मंगवाई जा रही हैं। इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका सहयोग, उनकी भागीदारी
उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है, इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम है, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही हैं। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है, वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है, और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हाँ, टीका लगाने के बाद भी मास्क और दो गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। एक बार फिर सभी किसान साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।